कप्तान ने लाहौर की अहम पिच पर दो मंझे खिलाड़ी दिए उतार, तीसरे का इंतजार। चौधरी परवेज इलाही स्पीकर, चौधरी सरवर बनेंगे पंजाब के गवर्नर। एक मजबूत अपोजिशन के खिलाफ खेल मजीद दिलचस्प हो गया। चौधरी परवेज इलाही के पास वजारत आला का भरपूर तजर्बा। चौधरी सरवर पहले भी गवर्नर रह चुके। पीटीआई चेयरमैन की जानिब से दोनों की बाजाबता नामजदगी। इमरान खान 18 अगस्त को वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। फैसल जावेद की तस्दीक। परवेज इलाही के मुकाबले पर उम्मीदवार लाने के लिए लीगी कायदत के भी सलाह मशवरे। नून लीग के स्पीकर पंजाब असम्बली और डेप्टी स्पीकर के लिए हलीफ जमातों से राबते। नून लीग की पंजाब में पार्लियामानी पार्टी का इजलास, इतवार या पीर को बुलाए जाने का इम्कान। ऑफशोर कंपनी आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। अब्दुल अलीम खान नैब में पेश, बोले इदारों को मजबूत बनाएंगे, नैब जब भी बुलाए आऊंगा। मेरे खिलाफ नैब में दरखास्त अयाज सादिक के कोऑर्डिनेटर मौजूदा मेयर लाहौर ने दी। वजीर आला पंजाब बनने की कोई ख्वाहिश नहीं, इमरान खान जो फैसला करेंगे दिल से कबूल होगा। कंपनीज स्कैंडल, ऑरेंज ट्रेन की तहकीकात में नया रुख। पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले प्राइवेट अफराद की तायुनातियों का केस भी खुल गया। एलडीए में तायुनात 3 प्राइवेट अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू, नैब ने 16 अगस्त को तलब कर लिया। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी पर पीएसएल में मुबैना करप्शन का इल्जाम। तहरीक इंसाफ का तहकीकात का मुतालिबा। रहनुमा पीटीआई जावेद बदर ने नैब को खत लिख दिया। सीईओ निशात चूनिया मिल्स शहजाद सलीम हाजिर हों। नैब ने फवाद हसन फवाद के बयान पर शहजाद सलीम को 13 अगस्त को तलब कर लिया। निशात चूनिया मिल्स मियाँ मंशा की मिल्कियत है। और किसने कितना माल बनाया पुलिस अफसरान को भी बताना होगा। पुलिस अफसरान के असासों की छानबीन का फैसला। आईजी पंजाब ने तमाम अफसरान से रिकॉर्ड मांग लिया। पुलिस सर्विस में आने से पहले और बाद की जायदाद की तफसीलात देने का हुक्म।